भारत मेरी मिट्टी, मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून। आजादी सोचने की और जीने की, आजादी गरीबी से, गुर्बत से, आजादी भूख से, आजादी काम करने की और आजादी प्यार से रहने की। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरह से इस देश की नींव और बुनियाद बनाई, IITs हुए या IIMs हुए या उन प्रख्यात लोगों को समावेशित किया देश के निर्माण में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो या इसरो हो, इन सब की नींव रखी, वो एक बहुत बड़ा कदम था। दूसरा बड़ा कदम इंदिरा गांधी जी ने उठाया, ना सिर्फ विश्व का भूगोल बदला पाकिस्तान के दो टुकड़े कर, लेकिन गरीब के हाथ में संसाधन दिए, प्रिवी पर्सेस हो गए या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया, गरीबों तक उनका हक पहुंचाने का काम किया और गरीबी हटाओ की एक बड़ी मुहिम चलाई। तीसरा और बहुत बड़ा कदम राजीव गांधी जी ने उठाया जब उन्होंने टेलीकॉम और IT की एक क्रांति इस देश में लाई, और इसी के चलते आज देश टेलीकॉम और IT में विश्व में नंबर वन लीडर है। आज हमारी जो IT टेक टाइटन्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं, उनका अग्रसर होना, उसकी नींव राजीव जी ने डाली थी। चौथा बहुत बड़ा कदम 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते उठाया गया जब इस देश में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाला गया, इस देश के लोगों को विश्व में लिंक किया गया, देश के युवाओं को ग्रोथ को एक चांस मिला। पांचवा बहुत बड़ा कदम 2004 से 2014 के बीच में UPA की सरकार ने उठाया जब इस देश के हर व्यक्ति को राइट्स मिले, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, किसी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, खाद्य सुरक्षा कानून जो बना और मनरेगा जिसने श्रम को एक ताकत दी और इज्जत दी। ये पांच बहुत बड़ी चीजें इस देश की नींव को और मजबूत करती हैं। स्वतंत्रता, साहस और स्वाभिमान। जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे स्वतंत्रता की, तो इस देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा और रोजगार मिलना चाहिए। जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो इस देश की महिला को जो देवी का स्वरूप है, सम्मान मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो नफरत की ये आंधी खत्म होकर एक खुशहाल, उन्नति प्रगति करता हुआ, आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहता हुआ वही भारत बने जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता के वीरों ने, वीर सपूतों ने की थी।